गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं ऐसे ऑफिस से लौट रहा था, सोचा फिर से आपसे बहुत दिन हो गए बात करे हुए। तो जनरली एक ऐसी बात समझ में आ रही थी कि यार पीछे से आजकल रात में जब से ये ना LED HID और ये सब जो गाड़ियों में लटकाने लग गए हैं, तो उसमें क्या होता है, पीछे से बैठे बैठे बंदा आगे वाली गाड़ी को ना डिपर मारता रहता है गंदे तरीके से, और दैट इज सो इरिटेटिंग। मतलब जरूरत नहीं है, या आप हाईवे पे चल रहे हो। यार अब एक बात हो, मैं जनकपुरी ऐसे एरिया में इंटरनली चल रहा हूँ, बिल्कुल ही अंदर की रोड पे, जहाँ पे स्पीड लिमिट भी आई थिंक नॉट मोर देन 40 की होगी या 30 की ही होगी, क्योंकि छोटी रोड है यहाँ पे अंदर। यार मतलब मेन रोड भी नहीं है, कोई रिंग रोड भी नहीं है, कोई फ्लाईओवर भी नहीं है, तो स्पीड लिमिट क्या ही होगी इसकी। और क्या लिमिट नहीं भी है तो यार क्या ही चला लोगे यार यहाँ पे रिक्शे सबके बीच में। और उस बीच में पीछे से एक बंदा जिसको पता है कि अभी यार रेड लाइट में से गाड़ी निकली है, और पीछे से वो आपको अपने गाड़ियों के ना शो ऑफ करता है जो हेडलाइट है ऐसे ऐसे करके, दैट इज सो इरिटेटिंग, सो इरिटेटिंग। मतलब क्या ही आप मतलब बोलोगे उसको यार। मतलब मन तो करता है कभी कभी गाड़ी रोक लो और बोलो भाई तू लाइट दिखा ले अपने, पहले इंस्पेक्शन कर ले तेरे लाइट का कितने केल्विन की है, क्या है, मतलब क्यों इतना शो ऑफ करना। और दिस इज नॉट समथिंग कि यार उसको कोई आगे निकलना है, वो बस लाइट दिखाने के लिए कि वही अकेले बंदे की आंखों में लाइट चुभ जाए तो वो उस चीज को यूज करते हैं। अब जैसे मैं दिखाता हूँ आगे सामने बिल्कुल अंधेरा है यहाँ पे, अभी कोई ना वो बंदा को ऐसे ऐसे करेगा और दूसरे बंदे को थोड़ा सा ये देखिए, तो ये इतना बुरा लगता है। और आई थिंक दूसरा बंदा जो सामने वाला होता है बहुत इरिटेट भी होता है इससे। एक बार मैं आपको सही किस्सा बताऊंगा, मतलब यू विड बी सरप्राइज कि अब होता क्या है कि जैसे मेरा नंबर जो है हरियाणा का है गाड़ी का, अब एक बंदा पीछे से डिपर दिए जा रहा था, मतलब रिंग रोड की बात है फ्लाईओवर के ऊपर डिपर दिए जा रहा है अननेसेसरी का। मतलब ऐसा नहीं है कि रोड खाली नहीं है साइड में या ऐसा कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, तो व्हाट आई डिड, उसने जितना डिपर दिया मैंने उतना ही स्लो कर लिया, और एक टाइम के बाद मैंने गाड़ी रोक ली। अगले बंदे ने भाई गाड़ी रोक ली, पीछे करी और ऐसा भागा है जैसे पता नहीं भूत देख लिया उसने। तो यही कहना चाहूंगा कि यार अगर आप बिल्कुल ही इस तरीके की हरकत करोगे तो किसी ना किसी दिन उल्टी खोपड़ी होगा, वो पकड़ के पेल देगा। तो ये कृपा करके ना करें। दिल्ली में आदमी बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है, शाम को बहुत दुखी होता है, वो उसको बिल्कुल नहीं चाहिए होता है कि वो पीछे से आके ना उसको लाइटें चमकाए, जो कि वो साला सुबह से शाम तक कस्टमर की मार खा के, अपने बॉसेस की मार खा के एंड ऑल सब कुछ। तो प्लीज ध्यान रखिएगा इस चीज का। ओके, टेक केयर, बाय बाय।